Hello everyone, today I am going to explain you about the selection process of staffing का एक part है selection. Selection के बाद आएगा training and development. तो selection के अंदर कैसे selection करना है, जो best candidate हमारे organization के लिए suitable है. तो अगर बड़ा organization है तो उसके according to रिक्रूटमेंट होता है, और छोटा ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके अकॉर्डिंग टू. तो ये जो रिक्रूटमेंट होती है, जो सिलेक्शन होता है, वो ऑल द लेवल्स हैव टू बी डिसाइडेड. ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो अलग अलग पोजीशन राइज होती है. जैसे कि 3 levels होते हैं, 3 levels के अंदर टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड बॉटम लेवल मैनेजमेंट. तो ये सब के लिए भी स्टाफ लाना, अवेल करवाना ज़रूरी होता है. और अलग अलग एम्प्लॉय का रिक्वायरमेंट अलग होता है, क्वालिफिकेशन ऑफ द एम्प्लॉयज इज ऑल्सो डिफरेंट. और मैनेजरियल स्टाफ चाहिए, नॉन मैनेजरियल स्टाफ, कितने टाइम के लिए चाहिए, दैट ऑल हैव टू बी डिसाइडेड इन एडवांस. और उसके अकॉर्डिंग टू सिलेक्शन करना रहता है. तो सिलेक्शन जो है वो राइट पर्सन यहाँ पर है, नेसेसरी टू सेलेक्ट द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब एज अ सिलेक्शन ऑफ द एम्प्लॉयज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. और राइट अमाउंट में, क्वांटिटी जो होती है, ज़्यादा अपॉइंट नहीं करने हैं. सो सिलेक्शन ऑफ द सूटेबल एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस्ड एंड अ लॉयल एम्प्लॉयड, जो अपने जिम्मेदारियों को निभा सके, वैसा होना चाहिए. यहाँ पर प्रोसेस दिया गया है, प्रोसेस में आगे पीछे नहीं करना है आपको. जो भी पॉइंट्स है उस पॉइंट के अकॉर्डिंग टू ही जाना रहेगा आपको. प्रोसेस में फर्स्ट इज वेलकमिंग एंड प्राइमरी मीटिंग. जब कैंडिडेट जो है वो आता है एंटरप्राइज के अंदर, तो रिसेप्शनिस्ट हैव टू बी वेलकम हिम. और रिसेप्शन जो है वो कैंडिडेट्स के सूटेबल एलिजिबल है या नहीं है वो वेरीफाई करता है. सारा जो भी उनके डॉक्यूमेंट्स है वो, अगर वो प्रेफरेबल है हमारी जो पोस्ट दी गई थी उसके अकॉर्डिंग टू है, देन ओनली रिसेप्शनिस्ट से जाएगा रिक्रूटमेंट ऑफिसर के पास. और रिक्रूटमेंट ऑफिसर है वो सब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा और उसका नॉलेज, स्किल एंड वर्किंग कैपेसिटी देखेगा. देन ओनली जो उनका मेन ऑब्जेक्टिव है वो कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है वो देखेगा. देन तो ही कैंडिडेट जो है वो आगे जा सकता है, अदरवाइज अनसुटेबल कैंडिडेट हट जाता है, दैट हैव टू बी रिमूव्ड फ्रॉम दिस प्रोसेस. तो इफ़ कैंडिडेट इज फाउंड सूटेबल इन अ प्राइमरी मीटिंग, तो ही उसकी एप्लीकेशन जो है वो आगे भरने के लिए दी जाती है. मीन्स रेडीमेड फॉर्म जो होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन ने, एंटरप्राइज ने बनाया हुआ है, वो फॉर्म फिल करना रहता है, जो टाइम सेविंग और ईजी रहता है रिक्रूट करने के लिए. और ऑफिसर ऑल्सो कैन बी स्क्रूटिनाइज that all the aspects of the employee. Next process है हमारा receiving and screening of application. Application तो मिल जाती है, पर उसको जो भी manager था उसके according to हमें application मिली, तो उसका receiving करना, और उसमें से जो भी unfilled है, incomplete और wrong जो भी दिख रहा है वो सारे reject कर देंगे. सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट सब वेरीफाई करना है, और उसके बाद जो इनकम्प्लीट और रॉन्ग होते हैं उसको रिजेक्ट करते हैं, और बाकी के जो एप्लीकेशंस हैं वो कैरी फॉरवर्ड फॉर द टेस्ट. और नेक्स्ट हमारा है टेकिंग नेसेसरी टेस्ट. तो 4 varieties ऑफ टेस्ट आर देयर दैट आर वेरीफाइंग द स्किल, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड ऑफ एफिशियंसी ऑफ द कैंडिडेट. तो उसमें से पहला है IQ टेस्ट. ये 2 marks में पूछ सकते हैं, 4 tests है. IQ टेस्ट इंक्लूड्स कॉमन सेंस, मेमोरी, स्मार्टनेस, पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड थिंकिंग कैपेसिटी. तो ये आता है आपका IQ टेस्ट.
जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो ये टेस्ट बनाते हैं और उसको पास आउट करते हैं। नेक्स्ट टेस्ट इज ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट, और इसको इंक्लूड करता है कि कैंडिडेट को इंटरेस्ट, हम जो भी वर्क देंगे उसमें इंटरेस्ट है या नहीं है। अगर है देन ओनली अ कैंडिडेट कैन बी गो फर्दर। तो उसके लिए भी क्वेश्चनरीज बनाई जाती है और वो अटेंड कैसे करता है वो देखा जाता है। नेक्स्ट इज अ ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट के अंदर नेसेसरी स्किल टू परफॉर्म द एक्सपेक्टेड जॉब और नॉट ये बताया जाता है। यहाँ पर है स्पेसिफिक वर्क में वो उसको इंटरेस्ट है या नहीं है, वो यहाँ पर नेसेसरी स्किल है या नहीं है, जो हम जॉब का काम सौंपेंगे वो टेस्ट किया जाता है। देन नेक्स्ट इज अ साइकोलॉजिकल टेस्ट। साइकोलॉजी उसकी क्या है, दिमागी हालत कैसी है, उसका नेचर कैसा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसा, एटीट्यूड एंड हैबिट्स दैट ऑफ द कैंडिडेट, तो वो वेरीफाई करने के लिए साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं। तो आफ्टर पासिंग फ्रॉम दिस ऑल फोर टाइप ऑफ वेराइटीज ऑफ टेस्ट पर्सन इज पास्ड आउट, देन ओनली अ पर्सन हैव टू बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू, दैट इज अ पर्सनल इंटरव्यू। ओके, पर्सनल इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है अगर वो सक्सीड होता है तब। और उसके अंदर कमिटी बुलाई जाती है, कमिटी के अलग अलग हेड होते हैं, जो रिलेवेंट डिपार्टमेंट में अपॉइंटमेंट करनी है उसके रिलेवेंट डिपार्टमेंटल हेड भी होते हैं। तो कौन कौन कमिटी के अंदर है, मैनेजमेंट, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मैनेजमेंट, डिपार्टमेंटल हेड, पर्सनल मैनेजर एंड एक्सपर्ट्स ऑफ वेरियस फील्ड। तो ये सब है वो क्वेश्चनरीज करेंगे, दे हैव टू आस्क द क्वेश्चंस, और वो रिलेट होगा उनकी जो वर्क सौंपने वाला है उससे। और ये जो है वो सेटिस्फाइड होते हैं, ये सारे पर्सोनल जो है वो सेटिस्फाइड होते हैं, देन एंड देन ओनली अ पर्सन हैव टू बी एलिजिबल फॉर द फर्दर। और एट दिस स्टेज द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द जॉब कैन बी मेड क्लियर। ओके, तो जो जॉब है उनके जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो क्लेरिफाई कर दी जाती है। नेक्स्ट इज चेकिंग रेफरेंस। रेफरेंस चेक किया जाता है कि वो कैंडिडेट्स ने किसके थ्रू हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आया है और किसके रिकमेंड से आया है, और आगे के जो एम्प्लॉयर थे वो कैसे ये उसके साथ कैसे परफॉर्म कर रहा था। सो दैट रेफरिंग टू हिज प्रेजेंट एंड पास्ट एम्प्लॉयर टू गेट एन आइडिया ऑफ अ करेक्ट सिचुएशंस। तो एम्प्लॉयर्स जो होते हैं पुराने वो उसको कैसे रखते थे वो सब। तो ओपिनियन ऑफ द रेफरेंस वो उसको कंसिडर किया जाता है, इन्फॉर्मेशन गैदर की जाती है, एंड जो भी इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द रेफरेंस चेक की जाती है वो बायस होनी चाहिए, मींस कोई भी पक्षपात के बिना होनी चाहिए। द ओपिनियन ऑफ द रेफरेंस गिवन बाय द कैंडिडेट हेल्प इन द टेकिंग राइट डिसीजन। ओके, तो वो सिलेक्ट करना है उसको या नहीं करना है वो राइट डिसीजन ले सकते हैं। प्रिलिमिनरी सिलेक्शंस के अंदर आफ्टर पासिंग आउट फ्रॉम दिस ऑल द टेस्ट एंड चेकिंग रेफरेंस, अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है देन ओनली पर्सन सिलेक्शन कमिटी जो है वो लिस्ट बनाती है कैंडिडेट का, जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है उनका लिस्ट बनाती है, और दैट इज यूजुअली जो है वो मोर नंबर होता है, जितने रिक्वायर है उससे ज़्यादा नंबर में कैंडिडेट का लिस्ट बनाया जाता है। जो सिलेक्टेड पर्सन अगर 5 को बुलाया है और 5 की जगह पे 3 ही आए हैं तो 2 वैकेंट हुए तो वो लिस्ट में से वापस बुला सकते हैं। सो फॉर दैट जितनी ज़रूरत है उससे थोड़े से ज़्यादा कैंडिडेट्स बुलाए जाते हैं। देन फिजिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल टेस्ट भी कहते हैं जिसको, इसके थ्रू स्पेसिफिक हॉस्पिटल में भेजा जाता है
और डॉक्टर का मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद सर्टिफिकेट अप्रूव करती है। और कैंडिडेट जो है वो सीरियस इलनेस या कोई डिजीज से सफ़र तो नहीं कर रहा है तो ही उसको अप्रूवल मिलेगा, एंड अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पर जो भी सफरिंग कर रहे हैं तो वो कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होगा जॉब के लिए। सीरियस इलनेस से सफ़र कर रहा है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है, सो दैट आर नॉट कैपेबल फॉर टेकिंग दैस जॉब। और जो बाकी के कैंडिडेट है वो वेटिंग लिस्ट में रहेंगे, क्योंकि हमारे पास बड़ा लिस्ट था। एंड वेन एवर एनी कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड, कोई भी कैंडिडेट की ज़रूरत पड़ती है तो मेडिकल एग्जामिनेशन में जो रिजेक्ट किए गए हैं तो हमारे पास लिस्ट है, वो वेटिंग लिस्ट में से हम कॉल कर सकते हैं। सो दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द मेरिट, जितने नंबर्स आते हैं, मार्क्स आते हैं, परसेंटेज, उसके हिसाब से उनको ऑर्डर वाइज बुलाया जाता है। अपॉइंटमेंट लेटर, मेडिकल एग्जामिनेशन पास आउट कर देते हैं तो फाइनली अ कैंडिडेट इज गेटिंग द अपॉइंटमेंट लेटर। और लेटर के अंदर क्या क्या चीज़ें की गई है, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग नेचर ऑफ वर्क, वर्क प्लेस, डिजिग्नेशन, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिम्यूनरेशन एंड अदर फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डिटेल्स हैव टू बी गिवन इन द अपॉइंटमेंट लेटर। एंड लास्ट है इंडक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में ये नया एम्प्लॉय है तो नए एम्प्लॉय के लिए ऑर्गेनाइजेशन नया है तो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपॉइंटमेंट लेटर के बाद उसको ड्यूटी अलॉट की जाती है। पर ड्यूटी अलॉट करने से पहले भी उनको एक काम क्लियर करना है कि जो कंपनी की पॉलिसी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी क्या है वो इंटीमेट करना, ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट कैसा है, उसके अंदर कौन कौन कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं, सुपीरियर कौन है उस पर्सन का, उस कैंडिडेट का, उसके कलीग्स मीन्स सह कर्मचारी कौन है, उसके अंडर में जो काम करने वाले सबॉर्डिनेट्स है वो कौन है, उससे वो इंट्रोड्यूस्ड करवाता है। एंड देन आफ्टरवर्ड्स ड्यूटीज आर टू बी अलॉटेड टू द कैंडिडेट। सो दैट इज़ द प्रोसेस, 9 स्टेप है, एक भी स्किप नहीं करना है आपको। ऑल यू हैव टू बी थरो विथ द प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस 5 मार्क्स में आता है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। नेक्स्ट इज हमारा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, उसमें से हम ट्रेनिंग देखते हैं। ट्रेनिंग इफिशियंसी, इफेक्टिव रिक्रूटेड पर्सोनेल माइट बी विदाउट एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज प्रॉपर फंक्शंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज इम्पॉसिबल। ओके, तो इफिशियंट पर्सन को हमारे ऑर्गेनाइजेशन में लाया है पर उसका एक्सपीरियंस ना हो, उसके पास प्रॉपर फंक्शनिंग कैसे करना है उसका नॉलेज ना हो तो वो वेस्ट है। तो ट्रेनिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग थियोरिटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। कितना थियोरिटिकल नॉलेज भी होना चाहिए और प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए। द ऑब्जेक्टिव ऑफ अक्वायरिंग प्रोफिशंसी इन द वर्क, काम के अंदर प्रोफिशंसी मीन्स बेहतर से बेहतर कर पाए तो उसके लिए उनको ट्रेनिंग दी जाती है। सो ट्रेनिंग इज नॉट द टेम्पररी, इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। एक बार ट्रेनिंग दे दी गई तो ख़त्म हो गया काम, नहीं। एम्प्लॉय जो होते हैं उनको नॉलेज इम्पार्ट करने का काम जो है वो महत्वपूर्ण है, इसीलिए एवरी टाइम दे हैव टू बी अरेंज द ट्रेनिंग बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। और कौन ये गेन करता है? एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कंसेप्ट में देख लीजिए, कंसेप्ट जनरल टर्म में दिया है, ट्रेनिंग मीन्स प्रोवाइडिंग थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज विथ रेफरेंस टू वर्क ऑफ द एम्प्लॉयज। ईजी डेफिनेशन है, यू हैव टू लर्न इट वेल। नेक्स्ट है हमारा ट्रेनिंग मीन्स गिविंग अप टू डेट इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल्सो इंक्रीज इफिशंसी, स्किल, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, टेक्निकल स्किल ऑफ द एम्प्लॉयज़।
मीन्स ये एम्प्लॉयज़ के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं हम, ओके। और लास्ट में वेरी इम्पॉर्टेंट इज ट्रेनिंग मीन्स इम्पार्टिंग नॉलेज, मीन्स हमारा जो नॉलेज है उसमें और ऐड होना, इम्पार्टिंग नॉलेज एंड एडुकेशन विथ द ऑब्जेक्टिव ऑफ गेनिंग प्रोफिशिएंसी, मीन्स बेहतर से बेहतर कर पाए इन द बिजनेस, ओके। सो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेनिंग। इम्पॉर्टेंस देख लेते हैं, ट्रेनिंग का इम्पॉर्टेंस यहाँ पर दिया गया है। मॉडर्न इंफॉर्मेशन ट्रेनिंग के थ्रू हम टेक्निकल नॉलेज, मॉडर्न टेक्निक्स जो होती है, एम्प्लॉयज़ हैव टू बी अवेयर अबाउट टेक्निकल चेंजेस एंड रिसर्च जो होते हैं। नावाडेज वर्ल्ड इज़ ए ग्लोबल विलेज और नए नए चेंजेस आते जाते हैं, दैट हैव टू बी मेक अवेयर विद टेक्निकल नॉलेज। सेफ्टी, अगर कोई ट्रेनिंग किया हुआ पर्सन जो है वो अगर मशीन से काम करेगा और कोई भी चीज़ उससे हैंडल करनी है तो वो इजीली हैंडल कर पाएगा, बिकॉज अ पर्सन एंड कैंडिडेट इज हैविंग द ट्रेनिंग और वो ऑपरेट अच्छे से करेगा और एक्सीडेंट रिडक्शन होगा, एक्सीडेंट कैन बी रिड्यूस्ड क्योंकि वो मशीन्स जो है वो हैंडल वेरी केयरफुली, क्योंकि उसको ट्रेनिंग के अंदर सारी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑपरेशन ऑफ द मशीन इज गिवन। सो दिस नेचर्स एप्टीट्यूड फॉर वर्क इन द एम्प्लॉयज एंड ऑल्सो लीड टू लेस फैटिग ऑफ एंड हाई मोरल, ओके। तो काम से छुटकारा लेना ये नहीं, पर उसमें ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की इफ़िशंसी पैदा होती है, सो दैट इज सेफली एम्प्लॉय कैन वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू ट्रेनिंग। इंक्रीज इन जॉब सेटिस्फैक्शन, अगर जॉब कर रहा है तो वर्कर्स हैव टू बी सेटिस्फाइड विथ कि मुझे ट्रेनिंग मिला है तो मैं ये काम अच्छे से कर पा रहा हूँ, ओके। सो ट्रेनिंग हैव टू इंक्रीज जॉब सेटिस्फैक्शन, उसमें जुस्सा बढ़ता है, एम्प्लॉय का एंथुसियाज्म हैव टू बी इंक्रीज्ड एंड इट टर्न्स इनटू द जॉब सेटिस्फैक्शन। नेक्स्ट है रिडक्शन इन द रेट ऑफ लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर मीन्स जो भी लेबर है वो जॉब पर आते हैं, उसको पसंद नहीं आता है, छोड़ के चले जाते हैं, नए एम्प्लॉय को और रिक्रूट करना पड़ता है, फिर से वो आते हैं, नहीं काम पसंद आता है, छोड़ के चले जाते हैं। तो ये जो रेट्स है लेबर अपॉइंट करने का, बार बार एक ही जगह पे वैकेंसी होती है और उसको फिल करने का, सो दैट इज़ लेबर टर्न ओवर, तो वो एक्सपेंस बढ़ता है। पर अगर ट्रेनिंग लिया हुआ पर्सन है तो वो लॉन्ग टाइम के लिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन से अटैच होगा, क्योंकि उसको लगता है कि दैट इम्प्रूव्स द नॉलेज और उसके साथ साथ चांसेस ऑफ प्रमोशन एंड इनकम भी बढ़ेगा, तो इसीलिए इट मेक्स द इफिशियंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और जॉब सेटिस्फैक्शन तो मिलता ही है, और उससे एम्प्लॉय जो है वो मोर इफिशेंटली काम करेगा एंड चेंजिंग देयर नो थिंकिंग फॉर चेंजिंग देयर जॉब, वो काम छोड़ने का सोचेगा भी नहीं, तो इस वजह से लेबर टर्नओवर हैव टू बी डिक्रीज। इंक्रीज इन द प्रॉफिट, अब अगर लंबे समय तक हमारे लेबर जो है वो हमारे साथ काम करते रहेंगे, एक्सपर्ट हो जाएंगे, और अगर एक्सपर्ट है, ट्रेंड पर्सन हमारे पास, एक्सपर्टीज नॉलेज लिया हुआ पर्सन अगर है, सो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी एंड दैट रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि रॉ मटेरियल का वेस्टेज नहीं होगा, टाइम का वेस्टेज नहीं होगा, सब ऑन टाइम चलेगा, सो दैट वे रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा तो प्रॉफिट डेफिनेटली इंक्रीज होगा, ओके। देन रिडक्शन इन द एक्सपेंसेस, खर्च जो है वो कम होगा, ट्रेनिंग लिया हुआ पर्सन जो है वो वेस्टेज कम करेगा, रॉ मटेरियल का वेस्टेज कम करेगा, ओके। तो जनरली ट्रेनिंग से पहले, एक एग्जाम्पल की बात करें तो ट्रेनिंग से पहले एक पर्सन जो है वो 50 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन कर रहा था,
पर ट्रेनिंग के बाद उसने ट्रेनिंग लिया और उसके बाद वो जो है वो प्रोडक्शन करने के लिए जब इसीलिए काम करता था तो वो 60 पीस ऑफ प्रोडक्शन करने लगा। तो ये दोनों के बीच में 10 यूनिट का डिफरेंस है। ओके, सो ये जो 10 यूनिट्स है वो वेस्ट हो रहे थे पहले। ओके, सो ये वेस्टेज ऑफ रॉ मटेरियल की वजह से हो रहा था। तो अगर ट्रेनिंग लिया हुआ पर्सन जो है वो अगर अच्छे से काम करेगा, वेस्टेज नहीं होगा, सो दैट कैन बी रिडक्शन इन द कॉस्ट एंड सुपरविजन कॉस्ट ऑल्सो रिड्यूसेस। सुपरविजन करने की ज़रूरत ही नहीं होगी एंड द टोटल एक्सपेंडिचर इज रिड्यूस्ड। ओके, क्योंकि ट्रेनिंग लिया हुआ है आसानी से कर पाएगा, सो नो नीड टू सुपरवाइज देम एंड एक्सपेंडिचर हैव टू बी रिड्यूस्ड। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी होगा, दैट इंक्रीज इन द स्किल, नॉलेज, एबिलिटी, इंटेलिजेंसी, ये सब इंक्रीज होगा थ्रू ट्रेनिंग और उससे पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा। सो दैट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग। अदर बेनिफिट्स, दूसरे भी बेनिफिट्स मिलते हैं, दैट एनहांस द प्रेस्टीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स ये तो बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसी प्रेस्टीज होती है क्योंकि वहाँ से कोई छोड़ के नहीं जाता है, लेबर टर्नओवर कम होता है और अगर खर्च कम होता है प्रोफिशिएंसी बढ़ेगी, प्रॉफिट अगर बढ़ता है तो मार्केट में प्रेस्टीज बढ़ेगी एंड दैट हैव टू बी सक्सेसफुल एंड रिडक्शन इन द स्ट्रेस। जो भी पॉलिसी मेकिंग है वो आराम से कर पाएंगे क्योंकि एफिशिएंट स्टाफ इज अवेल, ट्रेंड स्टाफ इज अवेल एंड कोऑपरेशन इज क्रिएटेड। एनवायरनमेंट में एक साथ मिलजुल कर काम करने की भावना होती है एंड क्रिएट द लॉयल्टी, सिंसियरिटी एंड एंथुजियाज्म ऑफ द एम्प्लॉयज, मीन्स काम करने का जुस्सा बढ़ेगा, वो दूसरे के बारे में सोचेंगे भी नहीं एंड दे हैव टू बी एफिशिएंटली वर्क विद द ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेनिंग सेपरेट ट्रेनिंग डिपार्टमेंट हैज़ टू मेंटेन फॉर द ट्रेनिंग, एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया जाता है ट्रेनिंग के लिए, ट्रेनिंग सेशन के लिए। तो एक बार क्या होता है कि बड़ा बिजनेस और एंटरप्राइज है तो उसके अंदर एक ट्रेनिंग सेशन बनाया जाता है, एक डिपार्टमेंट बनाया जाता है, उसके अंदर रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाता है कि प्रैक्टिकली नॉलेज देने के लिए दे हैव टू गिव द रॉ मटेरियल। तो वो रॉ मटेरियल का वेस्टेज होता है, स्टिपुलेशन हैज़ टू बी, स्टाइपेंड भी देते हैं ट्रेनी को, और स्टाइपेंड का मतलब है कि वो अंडर ट्रेनिंग है तो थोड़े से अमाउंट ऑफ रुपीस अब ट्रेनी हैव टू गेट, तो वो स्टाइपेंड भी देते हैं। तो ये सब खर्च है, पर आफ्टर गिविंग दिस ऑल द ट्रेनिंग, ट्रेनिंग सेशन ख़त्म होता है, सो ट्रेनिंग इज अ एक्सपेंसिव, बट उसका बेनिफिट जो है वो सालों साल मिलता रहेगा। तो इसीलिए कहा गया है ट्रेनिंग इज एक्सपेंसिव बट इट्स एक्सपेंस एब्सेंस इज मोर एक्सपेंसिव, क्योंकि ट्रेनिंग लिया हुआ है वेस्टेज नहीं करेगा और जिससे से काम करेगा जॉब छोड़ के नहीं जाएगा एंड अल्टीमेटली दैट इज बेनिफिशियल फॉर द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो यहाँ पर हम ये ट्रेनिंग ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट सेशन में डेवलपमेंट और डिफरेंसेस देखेंगे। टिल दैट थैंक यू।